Welcome back, dear students. So we have already discussed about adsorption, what is adsorbate and what is adsorbent. अगर अभी तक आपने पहले दो videos नहीं देखे हैं तो आप पहले उनको देखेंगे फिर इसको join करेंगे तभी आप ये पूरा समझ पाएंगे. तो adsorption simply एक ऐसा surface phenomena है जैसे आप daily life में भी देखते हैं, dust particles जो है हमारी बॉडी के सरफेस के ऊपर या हमारे क्लॉथ के सरफेस के ऊपर वो एड्सॉर्ब हो जाते हैं. पहले अट्रैक्ट होते हैं फिर रिटेन हो जाते हैं. सो दैट्स सिंपली एड्सॉर्प्शन. नाउ द डस्ट पार्टिकल्स जो हमारी बॉडी या किसी भी क्लॉथ के सरफेस के ऊपर एड्सॉर्ब हो जाते हैं वो आपका एड्सॉर्बेट कहलाता है. और आपकी जो बॉडी है या जो आपका क्लॉथ है जिसके ऊपर ये एड्सॉर्प्शन होता है, जिसके ऊपर ये डस्ट पार्टिकल्स एड्सॉर्ब होते हैं, तो दैट्स कॉल्ड द एड्सॉर्बेंट. नाउ लेट्स कंटिन्यू. सो नाउ वी आर हैविंग अनदर फिनोमेना हियर दैट्स कॉल्ड द ऑक्लूजन. ऑक्लूजन हम तब बताते हैं जब एक गैस एड्सॉर्ब हो जाएगा ऑन द सर्फेस ऑफ ए मेटल. वेन एवर ए गैस गेट्स एड्सॉर्ब ऑन द सर्फेस ऑफ ए मेटल that phenomena is known as occlusion. So gas here gets adsorbed on the surface of matter. Most of the gases they get easily adsorbed on the surface of metals, d block elements. जैसे hydrogen gas on the surface of nickel, जैसे nitrogen gas on the surface of iron, ये सभी adsorption फिनोमेनाज है. और इनके लिए एक स्पेशल टर्म हम यूज करते हैं, दैट इज द ऑक्लूजन. ये हम यहाँ पे याद रखेंगे. अनदर टर्म जो हम यहाँ पे देखेंगे दैट्स कॉल्ड द कैपिलरी कंडेंसेशन. कैपिलरी कंडेंसेशन, कैपिलरी कंडेंसेशन हम कब बताते हैं? देखो जब भी एड्सॉर्बेंट के ऊपर, जब भी एड्सॉर्बेंट में स्मॉल पोर्स होंगे तब गैस जो है वो पूरा उन पोर्स के अंदर कंडेंस हो जाता है. पोर्स में एंटर हो जाएगा गैस के मॉलिक्यूल्स जो है. व्हेन दे एंटर इनसाइड द पोर्स ऑफ एन एड्सॉर्बेंट देन इट गेट्स कंडेंस्ड देयर. फिनोमेना इज नोन एज कैपिलरी कंडेंसेशन. सो इट इज व्हेन गैसेस कंडेंस इन द पोर्स ऑफ adsorbent, then it's known as capillary condensation. और यहाँ पे आप याद रखिएगा that best adsorbents वही होते हैं जिनका surface area ज्यादा होगा. surface area उन्हीं adsorbents का ज्यादा होता है जिनके अंदर pores होंगे. और जो finely divided particle के form में होगा, grains के form में होगा, जितना adsorbent छोटे छोटे पार्टिकल्स में होगा तो उसका सरफेस एरिया ज्यादा होगा. तो डेफिनेटली उसपे ज्यादा से ज्यादा गैस एड्सॉर्ब इजीली हो सकता है. सो मोर द सरफेस एरिया मोर विल बी द एड्सॉर्प्शन. आप यहाँ पे याद रखिएगा दैट मोर द सरफेस एरिया ऑफ एड्सॉर्बेंट मोर विल बी द एड्सॉर्प्शन. Will be the adsorption अब यहां पे आप याद रखिएगा एड्सॉर्बेट जब एड्सॉर्ब हो जाते हैं ऑन द सर्फेस ऑफ एड्सॉर्बेंट तो किसी वक्त इसका रिवर्स भी होता है. मतलब जो गैस एड्सॉर्ब हो गया ऑन द सर्फेस ऑफ एड्सॉर्बेंट वो उस एड्सॉर्बेंट से रिमूव भी हो सकता है. अगर हम टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे या प्रेशर को डिक्रीज करेंगे तो जो गैस ऑलरेडी एड्सॉर्ब हो गया है वो रिमूव भी हो सकता है. दैट फिनोमेना और प्रोसेस इज नोन एज डिसॉर्प्शन. सो नेक्स्ट टर्म इसमें आप याद रखेंगे डिसॉर्प्शन. सो डिसॉर्प्शन मीन सिंपली रिमूवल ऑफ एड्सॉर्बेट from the adsorbent
सिंपली जैसे डस्ट पार्टिकल्स क्लॉथ के सरफेस के ऊपर एड्सॉर्ब हो गए, थोड़ा सा शेक करेंगे क्लॉथ को तो डस्ट पार्टिकल्स रिमूव हो सकते हैं इस क्लॉथ के सरफेस से. तो दैट मीन्स एड्सॉर्बेंट इज गेटिंग रिमूव्ड फ्रॉम द एड्सॉर्बेंट, दिस इज नोन एज डिसॉर्प्शन. सो डिसॉर्प्शन इज पॉसिबल. कैसे इसको हम करवा सकते हैं? अगर हम टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे तो टेम्परेचर इंक्रीज करने से ऐसा होता है कि जो जिस फोर्स से एड्सॉर्बेंट एंड एड्सॉर्बेंट जुड़े होंगे वो फोर्स वीक होता है, तो डेफिनेटली एड्सॉर्बेंट फिर रिमूव हो सकता है. सिमिलरली बाय डिक्रीजिंग द प्रेशर, प्रेशर को अगर हम डिक्रीज करेंगे तब भी डिसॉर्प्शन पॉसिबल है. नाउ अनदर टर्म जो यहाँ पे आप याद रखेंगे दैट इज द सॉर्प्शन. सो व्हाट इज सॉर्प्शन? सॉर्प्शन एक ऐसा टर्म है, ऐसा फिनोमेना है जो हम वहां पे यूज करते हैं जहां पे दोनों होंगे, एड्सॉर्प्शन एज वेल एज एब्जॉर्प्शन. तो यू मे बी क्यूरियस दैट क्या ऐसा भी होता है? यस इट इज पॉसिबल एंड इट हैज बीन ऑब्जर्व. आप इजीली इसको ऑब्जर्व कर सकते हैं. जब भी किसी क्लॉथ फाइबर, कॉटन के फाइबर के ऊपर आप डाई करते हो तो वो जो डाई है वो सरफेस पे पहले एड्सॉर्ब होता है, फिर वो उसके अंदर भी चला जाता है, वो एब्जॉर्ब भी होता है. मॉलिक्यूल्स गेट डिस्ट्रीब्यूटेड थॉरोली. सो दैट मीन्स इट इज बोथ एड्सॉर्प्शन एज वेल एज एब्जॉर्प्शन. तो तब कौन सी टर्म हम यूज करेंगे? दैट इज द सॉर्प्शन. सो सॉर्प्शन इज यूज व्हेन बोथ एड्सॉर्प्शन एज वेल एज एब्जॉर्प्शन टेक्स प्लेस. तो जब ऐसा होगा एक सब्सटेंस एड्सॉर्ब भी हो रहा है और एब्जॉर्ब भी हो रहा है, उस फिनोमेना को हम बताएंगे सॉर्प्शन. तो जैसे अभी बताया हमने द डाई ऑन कॉटन फाइबर इट इज एन एग्जाम्पल ऑफ सॉर्प्शन. हियर बोथ एड्सॉर्प्शन एज वेल एज एब्जॉर्प्शन टेक्स प्लेस. नाउ लेट्स सी व्हाट इज पॉजिटिव एड्सॉर्प्शन एंड व्हाट इज द नेगेटिव एड्सॉर्प्शन. ये जो टू टाइप्स ऑफ एड्सॉर्प्शन है इट इज बेस्ड ऑन द कंसेंट्रेशन ऑफ एड्सॉर्बेट ऑन द सरफेस एंड इन द बल्क. क्या एड्सॉर्बेट की कंसेंट्रेशन सरफेस पे ज्यादा होगी या बल्क में ज्यादा होगी? उसके बेस पे वी आर हैविंग द टू टाइप्स ऑफ एड्सॉर्प्शन. वन इज कॉल्ड द पॉजिटिव एड्सॉर्प्शन. सो व्हाट इज अ पॉजिटिव एड्सॉर्प्शन? तो आप याद रखिएगा whenever the concentration of adsorbate molecules or the species it is more on the surface than in the bulk it is the positive adsorption. वो जो usually होता है और होना भी चाहिए यही positive adsorption usually होता है. so जैसे यहाँ पे हम लिखेंगे that when concentration of adsorbate is more on the surface, is more on the surface as compared to bulk, as compared to the interior, that's called the positive adsorption. That means simply, ये let's say आपका adsorbent है और ये आपके adsorbate है, gas के molecules हैं, तो surface पे बहुत सारे ये होंगे, इनकी concentration ज़्यादा होगी. और कुछ मॉलिक्यूल्स जो है वो बल्क में भी चले जाते हैं. तो पर बल्क में बहुत ही कम है, सरफेस पे बहुत ही ज्यादा है. इस वक्त इसको हम बताएंगे दिस इज द पॉजिटिव एड्सॉर्प्शन. जैसे इसकी एग्जांपल अगर हमारे पास कंसंट्रेटेड पोटेशियम क्लोराइड का सोल्यूशन होगा, कंसंट्रेटेड केसीएल, और इसको हम शेक करेंगे विद बोन चारकोल के साथ, अगर इसको हम शेक करते हैं तो यहाँ पे केसीएल आयन्स जो है दे विल गेट
अट्रैक्टेड एंड रिटेनड ऑन द सर्फेस, सर्फेस पे इनकी कंसेंट्रेशन ज्यादा होगी और इसके इंटीरियर और बल्क में ये आयन्स बहुत ही कम चले जाते हैं, दैट मीन इट इज ए पॉजिटिव एडसॉर्प्शन. सिमिलरली इट कैन ऑल्सो हैपन, किसी वक्त ऐसा भी होता है कि एड्सॉर्प्शन होने के बाद जो मॉलिक्यूल सरफेस पे ज्यादा थे एड्सॉर्बेट के मॉलिक्यूल्स, वो बल्क में चले जाते हैं, इंटीरियर में चले जाते हैं, तो फिर कंसंट्रेशन बल्क में ज्यादा हो जाएगा. एट दैट टाइम वी कॉल इट एज नेगेटिव एड्सॉर्प्शन. सो इन केस ऑफ नेगेटिव एड्सॉर्प्शन आप याद रखेंगे दैट आफ्टर एड्सॉर्प्शन कंसंट्रेशन ऑफ एड्सॉर्बेट concentration of adsorbate is more in the bulk as compared to surface. So इस वक्त इसको बताएंगे negative adsorption. अब इसकी भी example दे देते हैं, जैसे अभी आपने लिया था concentrated KCl. अब अगर इसका लेंगे आप डाइल्यूट KCl, that means KCl वाटर में डाला, वाटर बहुत सारा है तो डाइल्यूटेड फॉर्म है. तो डाइल्यूट KCl व्हेन इट इज शेक विद बोन चारकोल, देन व्हाट हैपेंस, KCl आयन्स जो है ये बल्क में ज्यादा चले जाते हैं एड्सॉर्प्शन के बाद. These molecules, these species, they enter into the bulk of the adsorbent, interior of the adsorbent. तो इस वक्त इसको फिर बताएंगे हम negative adsorption, not the positive adsorption. तो ये हम याद रख सकते हैं the types of adsorption, positive and negative, on the basis of the concentration of adsorbate on the surface and in the bulk. So now let's see the various factors which will affect adsorption of gas on the surface of solid. कौन कौन सा factor affect करेगा adsorption को, whether adsorption will increase or decrease, what are the various factors responsible. यहां पर हम लिखेंगे factors affecting adsorption of gas on the surface of solid. So what are the various factors which are responsible for the adsorption of gas on the surface of solid? Jaise abhi bataya hydrogen gas easily adsorb ho jata hai on the surface of nickel. नाइट्रोजन गैस आयरन के सरफेस के ऊपर कोई भी गैस फिजिकली एड्सॉर्ब हो सकता है किसी भी सॉलिड के ऊपर. तो नंबर फर्स्ट जो है दैट विल बी द नेचर ऑफ एड्सॉर्बेंट, और यहां पे एड्सॉर्बेंट जो आपका है दैट इज द सॉलिड, दैट मीन सॉलिड का कैसा नेचर होगा इस पे डिपेंड करेगा एड्सॉर्प्शन कितना होगा, कम होगा ज्यादा होगा या नहीं होगा. ऐसा भी तो हो सकता है किसी सॉलिड पे एड्सॉर्प्शन ना हो, पर यूजुअली एड्सॉर्प्शन पॉसिबल है फिजिकली, किसी भी सरफेस पे एड्सॉर्प्शन हो सकता है. गैसेस गेट ऑटोमेटिकली एड्सॉर्ब्ड ऑन द सरफेस, और इसका रीजन हमने इससे पहले बता दिया है. एक्चुअली सरफेस पे जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, चाहे वो लिक्विड की सरफेस के मॉलिक्यूल्स हो या सॉलिड के सरफेस के मॉलिक्यूल्स हो, वहां पे फ्री वैलेंसीज रहती है. द मॉलिक्यूल्स विच आर एट द सरफेस, they are under the surface tension, they experience, they feel the downward pull or force of attraction by the interior molecules. जिससे पहले हमने देखा है तो surface पे free valencies रहती है. तो definitely in order to become stable, in order to occupy these free valencies, the gases they get attracted by these surface molecules. So, यहां पे हम देखेंगे नेचर ऑफ एड्सॉर्बेंट. नेचर ऑफ एड्सॉर्बेंट में आप याद रखिएगा, देखो डिफरेंट एड्सॉर्बेंट्स है, जैसे मैंने बताया था सिलिका जल है,
एल्यूमिना जल है, वी आर हैविंग द क्ले एज एन एडसॉर्बेंट, चारकोल है, इसके डिफरेंट फॉर्म्स हम यूज करते हैं एज एडसॉर्बेंट्स। सो अब किस एडसॉर्बेंट के ऊपर ज्यादा गैस एडसॉर्ब हो जाएगा, जिसका सरफेस एरिया ज्यादा हो, यहाँ पे आप याद रखेंगे दैट मोर द सरफेस एरिया ऑफ एडसॉर्बेंट मोर विल बी द एडसॉर्प्शन। जितना एडसॉर्बेंट का सरफेस एरिया ज्यादा होगा तो एडसॉर्प्शन भी उतना ज्यादा होगा। अब सरफेस एरिया कब ज्यादा हो सकता है, जब एडसॉर्बेंट जो है इसके अंदर पोर्स होंगे, ये पोर्स होगा और ये फाइनली डिवाइडेड फॉर्म में होगा, ग्रैंड्स के फॉर्म में होगा, डेफिनेटली इसका सरफेस एरिया ज्यादा होगा, गैस के मॉलिक्यूल्स फिर ज्यादा से ज्यादा एड्सॉर्ब हो सकते हैं। सो यहाँ पे आप याद रखेंगे दैट नेचर ऑफ एड्सॉर्बेंट में कि जो एड्सॉर्बेंट, जिस एड्सॉर्बेंट का सरफेस एरिया ज्यादा होगा उस पर एड्सॉर्प्शन ज्यादा होगा। अब सरफेस एरिया किसका ज्यादा होगा, जो डिवाइडेड फाइनली पाउडर फॉर्म है या ग्रेन्यूलर फॉर्म में होगा, तो तभी हम एड्सॉर्बेंट को ब्रेक करते हैं इनटू स्मॉल पीसेस इन ऑर्डर टू इंक्रीज द सरफेस एरिया, ताकि एड्सॉर्प्शन ज्यादा से ज्यादा हो सके। सिमिलरली अगर इसमें पोर्स ज्यादा है, तो मैंने बताया था गैस क्या होता है, इन पोर्स के अंदर कंडेंस हो जाता है, द प्रोसेस इज नोन एज कैपिलरी कंडेंसेशन। नाउ दिस इज द नेचर ऑफ एड्सॉर्बेंट, तो दैट्स व्हाई जो सब्सटेंसेस एड्सॉर्बेंट्स एक्ट करते हैं, तो उनमें बेस्ट एग्जाम्पल मैंने बताई थी चारकोल है, एक्सलेंट एड्सॉर्बेंट जिसपे बहुत सारे गैसेस इजीली एड्सॉर्ब हो जाते हैं। सिमिलरली वी आर हैविंग द सिलिका जेल एज एन एड्सॉर्बेंट, वी आर हैविंग एल्यूमिना जेल एज एन एड्सॉर्बेंट, वी आर हैविंग क्ले एज एन एड्सॉर्बेंट। तो लेट्स कम टू द नेक्स्ट फैक्टर, दैट इज द नेचर ऑफ एड्सॉर्बेंट, नेचर ऑफ एड्सॉर्बेंट। अब यहाँ पे जो आपका एड्सॉर्बेंट है, जो एड्सॉर्ब हो रहा है, दैट इज द गैस। सो एड्सॉर्बेंट जो है इसका नेचर इस पे भी डिपेंड करेगा। देखो अगर आप एक ही एड्सॉर्बेंट लेंगे, लेट्स से द चारकोल, और आपके पास हाइड्रोजन गैस भी है, नाइट्रोजन गैस भी है, ऑक्सीजन गैस भी है, तो कौन सा गैस ज्यादा इजिली एड्सॉर्ब होगा, कौन सा गैस ज्यादा एड्सॉर्ब हो सकता है, तो यहाँ पे डिपेंड करेगा ये नेचर ऑफ एड्सॉर्बेंट पे। तो यहाँ पे क्या देखा गया, यहां पे देखा गया दोज गैसेस विच कैन बी इजिली लिक्विफाइड, विच कैन बी इजिली लिक्विफाइड, वो गैसेस जिनको हम इजिली लिक्विफाई कर सकते हैं, सच एज जैसे हमारे पास है कार्बन डाइऑक्साइड, जैसे हाइड्रोक्लोरिक एसिड, अमोनिया गैस एक्सेट्रा, ये गैसेस जो है इनको इजिली लिक्विफाई किया जा सकता है, तो ये गैसेस ज्यादा एड्सॉर्प्शन दिखाते हैं, ये इजिली एड्सॉर्ब होते हैं ऑन द सरफेस ऑफ एड्सॉर्बेंट लाइक द चारकोल। सो दोज गैसेस विच कैन बी इजिली लिक्विफाइड दे अंडरगो मोर एड्सॉर्प्शन एज कंपेयर टू दोज गैसेस विच कैन नॉट बी इजिली लिक्विफाइड। फॉर एग्जाम्पल हम कौन से गैसेस इजिली लिक्विफाई नहीं कर सकते हैं, जैसे नाइट्रोजन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन गैस है, ये हम इजिली लिक्विफाई नहीं कर सकते हैं, तो दैट मीन्स they will not undergo more adsorption, ye easily fir adsorb nahi ho jata hai. So these gases cannot be easily liquefied, cannot be easily liquefied. To jab hum in gases ko easily liquefy kar hi nahi sakte hain, to ye jaldi se fir adsorb bhi nahi hote hain, ye adsorption kam dikhate hain. To yahan pe is factor ko ऐसे हम स्टडी करेंगे। एक्चुअली यहाँ पे ये हम रिलेट करते हैं क्रिटिकल टेम्परेचर के साथ, ये जो है नेचर ऑफ गैस यहाँ पे एड्सॉर्बेंट, ये देखा गया एक्सपेरिमेंटली द गैस हुज क्रिटिकल टेम्परेचर इज मोर शोज मोर एड्सॉर्प्शन। सो दोज गैसेस which have high critical temperature, jinka critical temperature bahut hi zyada hota hai, which is represented by TC,
those gases which have high critical temperature undergo more absorption, तो वो ज्यादा एब्जॉर्ब हो जाता है as compared to those gases which have low critical temperature. ये जो critical temperature यहाँ पे already आपने 11th में भी सीखा है thermodynamics, ये states of जैसे gaseous and liquid state, उसमें ये हमने पढ़ा है liquefaction of gas में. critical temperature को हम ऐसे define करते हैं, ये वो टेम्परेचर है, क्रिटिकल टेम्परेचर इज दैट टेम्परेचर अबव विच गैस कैनॉट बी लिक्विफाइड. इट इज द टेम्परेचर अबव विच गैस कैनॉट बी लिक्विफाइड, ये वो टेम्परेचर है जिसके अब हम गैस को लिक्विफाई कर ही नहीं सकते हैं. हाउ एवर द प्रेशर ऑफ गैस में भी, चाहे कितना भी प्रेशर क्यों ना हो गैस का, अगर इस पर्टिकुलर टेम्परेचर से टेम्परेचर ज्यादा होगा जिसको हम क्रिटिकल टेम्परेचर कहते हैं, तो तब गैस को हम लिक्विफाई नहीं कर सकते हैं. जैसे फॉर कार्बन डाइऑक्साइड गैस द क्रिटिकल टेम्परेचर इज 31.1 डिग्री सेल्सियस, ये ऑलरेडी आपने पढ़ा है. For carbon dioxide gas, critical temperature is 31.1 degree Celsius. तो अगर temperature इससे ज्यादा होगा, फिर carbon dioxide gas का pressure क्यों ना कितना भी ज्यादा हो, इसको liquefy नहीं किया जा सकता है. A gas is always liquefied when temperature is below critical temperature. तो यहाँ पे let me give the example. जिस गैस का क्रिटिकल टेम्परेचर ज्यादा होता है तो वो एड्सॉर्प्शन भी ज्यादा दिखाता है. लेट मी गिव द एग्जांपल ऑफ टू गैसेस, हाइड्रोजन एंड नाइट्रोजन गैस. अगर ये दो गैसेस हम लेते हैं, ये दिखा गया एक्सपेरिमेंटली दैट एट 288 केल्विन, अगर इस गिवन टेम्परेचर पे हम देखेंगे कि ये दो गैसेज जो है इनको एड्सॉर्ब करवाएंगे ऑन द सरफेस ऑफ एड्सॉर्बेंट एंड दैट इज द चारकोल लेंगे. चारकोल जो लेंगे 1 ग्राम, तो ये देखा गया दैट हाइड्रोजन गैस 1 ग्राम चारकोल के ऊपर कितना एड्सॉर्ब होता है, 4.7 क्यूबिक सेंटीमीटर, दैट इज 4.7 सीसी क्यूबिक सेंटीमीटर 1 ग्राम चारकोल के ऊपर. नाउ लेट्स सी नाइट्रोजन, जब ये नाइट्रोजन इसी 1 ग्राम चारकोल के ऊपर एड्सॉर्ब होता है तो ये 8 क्यूबिक सेंटीमीटर एड्सॉर्ब होता है. यहां से क्या पता चला, द नाइट्रोजन गैस इट गेट्स मोर एड्सॉर्ब्ड एज कंपेयर टू द हाइड्रोजन गैस. हाइड्रोजन गैस कम एड्सॉर्ब हुआ 1 ग्राम चारकोल के ऊपर, पर नाइट्रोजन तो ज्यादा एड्सॉर्ब हुआ 8 क्यूबिक सेंटीमीटर ऑन द सेम 1 ग्राम चारकोल. तो नाउ व्हाई इट इज सो, एक्चुअली हाइड्रोजन गैस जो आपका है इसका क्रिटिकल टेम्परेचर होता है 33 केल्विन, और जो आपका नाइट्रोजन गैस है इसका क्रिटिकल टेम्परेचर होता है 126 केल्विन. सो किसका क्रिटिकल टेम्परेचर ज्यादा है, क्लियरली नाइट्रोजन का क्रिटिकल टेम्परेचर ज्यादा है एज कंपेयर टू द हाइड्रोजन. तो यहाँ पे हमने क्या बताया, दोज गैसेस व्हिच हैव हाई क्रिटिकल टेम्परेचर दे गेट इजिली एब्जॉर्ब्ड, दे गेट इजिली एब्जॉर्ब्ड एंड दे शो मोर एब्जॉर्प्शन, ये ज्यादा एब्जॉर्ब होते हैं. और एक्चुअली यही ऐसे गैसेस होते हैं जिनका क्रिटिकल टेम्परेचर ज्यादा हाई होगा. फॉर एग्जाम्पल नाइट्रोजन और हाइड्रोजन गैस, इससे भी अगर हाई क्रिटिकल टेम्परेचर है किसी गैस का, वो उतना ज्यादा एड्सॉर्प्शन दिखाता है. तो ये इसमें हम याद रखेंगे, नेचर ऑफ एड्सॉर्बेट, दैट इज द नेचर ऑफ गैस में. और या इसको हम सिंपली ऐसे भी याद रख सकते हैं दैट द गैस विच इज इजिली लिक्विफेबल, जो गैस हम इजिली लिक्विफाई कर सकते हैं, दैट शोज मोर एड्सॉर्प्शन. दिस इज द नेचर ऑफ एड्सॉर्बेट. लेट्स हैव अनदर फैक्टर, दैट इज द टेम्परेचर. सो व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर. देखो यहां पे यूजुअली जब भी एड्सॉर्प्शन होता है, एड्सॉर्प्शन इज एक्सोथर्मिक प्रोसेस. व्हेनेवर वी हैव जस्ट एड्सॉर्बेट,
ये एड्सॉर्बेंट के ऊपर एड्सॉर्ब होता है, तो यहाँ पे एड्सॉर्प्शन हो गया, सो एड्सॉर्बेंट गेट्स एड्सॉर्ब्ड, एड्सॉर्बेंट गेट्स एड्सॉर्ब्ड प्लस हीट. Whenever adsorption takes place, heat energy is evolved. It is an exothermic process. So delta H जो होगा, वो negative होगा. Delta H is negative. ये बहुत important बात है. यहाँ से हम इसको thermodynamic feasibility explain करने जा रहे हैं कि कैसे ये process जो है adsorption, is it feasible or not? Is it spontaneous or non-spontaneous? बहुत ही important question रहेगा. तो एड्सॉर्बेंट जब भी एड्सॉर्बेंट के ऊपर एड्सॉर्ब होता है तो तब हीट एनर्जी, दैट मीन सरफेस पे एनर्जी जो है रिलीज होती है. सरफेस एनर्जी गेट्स डिक्रीज बिकॉज एनर्जी इज इवॉल्व. तो डेल्टा एच नेगेटिव है. और एक बात, जब भी एड्सॉर्बेंट के मॉलिक्यूल स्पीशीज एड्सॉर्ब हो जाते हैं ऑन द सरफेस ऑफ एड्सॉर्बेंट, व्हाट हैपेंस टू द एंट्रोपी? Entropy decreases, randomness decreases. So entropy decreases. तो जब entropy decrease होगी, that means we can say that is T del S decreases. यहाँ पे हम Gibbs Helmholtz equation का use करेंगे, that is the delta G is equal to delta H minus T delta S. This is the Gibbs Helmholtz इक्वेशन जो आपने थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ा है. तो यहाँ पे डेल्टा एच इज द चेंज इन एंथैल्पी, टी इज द टेम्परेचर, डेल्टा एस इज द चेंज इन एंट्रोपी. तो मैंने अभी बताया ये जो डेल्टा एस है ये कम होता है, एंट्रोपी डिक्रीजेस, ये नेगेटिव है. डेल्टा एच भी क्या है? नेगेटिव है. नाउ इन ऑर्डर फॉर अ प्रोसेस, इन ऑर्डर फॉर अ प्रोसेस टू बी स्पॉन्टेनियस, डेल्टा जी भी नेगेटिव होना चाहिए. और ये नेगेटिव तभी होगा जब इस डेल एच का वैल्यू ज्यादा होगा. ज्यादा नेगेटिव होगा तभी ये डेल्टा जी जो है तभी ये नेगेटिव आ जाएगा. और हमने पढ़ा है थर्मोडायनेमिक्स में दैट व्हेन एवर चेंज इन गिब्स फ्री एनर्जी इट इज नेगेटिव देन प्रोसेस इज स्पॉन्टेनियस. सो फॉर एड्सॉर्प्शन टू बी स्पॉन्टेनियस डेल्टा जी नेगेटिव होना चाहिए. और ये नेगेटिव तब होगा जब इस डेल एच का ज्यादा नेगेटिव वैल्यू होगा एज कंपेयर टू द टी डेल्टा एस. दैट मीन्स एंट्रोपी यहाँ पे डिक्रीज होती है और एनर्जी भी रिलीज होती है. तो डेल एच नेगेटिव होगा फॉर एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस, डेल्टा एच इज नेगेटिव. तो यहाँ पे हम क्या बताते हैं कि डेल एच का मोर नेगेटिव वैल्यू होता है. दैट मीन्स एनर्जी रिलीज इट इज मोर एज कंपेयर टू द डिक्रीज इन द एंट्रोपी. एंट्रोपी जितना कम हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, उससे ज्यादा एनर्जी रिलीज होती है. सो दैट्स व्हाई डेल जी नेगेटिव है. हेंस इट इज अ स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, इट इज अ स्पॉन्टेनियस प्रोसेस. तो आप याद रखिएगा कि जब भी एड्सॉर्प्शन होता है इट्स एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस. तो एक्सोथर्मिक प्रोसेस होगा. सो अकॉर्डिंग टू द लीचेट लेयर्स प्रिंसिपल, लीचेट लेयर्स प्रिंसिपल अगर हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे, ये फिर इक्विलिब्रियम प्रोसेस है. लीचेट लेयर्स प्रिंसिपल हमें क्या बताता है, ये हमने डिटेल में पढ़ा है इन इक्विलिब्रियम यूनिट. तो जब भी एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस होती है अकॉर्डिंग टू लीचेट लेयर्स प्रिंसिपल, व्हेन वी इंक्रीज टेम्परेचर, व्हेन वी इंक्रीज टेम्परेचर हियर, तो इक्विलिब्रियम शिफ्ट्स इन द बैकवर्ड डायरेक्शन, इक्विलिब्रियम शिफ्ट्स इन द बैकवर्ड डायरेक्शन. सो हेंस एड्सॉर्प्शन डिक्रीजेस. एड्सॉर्प्शन जो है एड्सॉर्प्शन डिक्रीजेस. दिस इज द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर. पर एक्चुअली वी आर ऑल्सो वी विल स्टडी अहेड फिजिकल एंड केमिकल एड्सॉर्प्शन. वहां पे हम देखेंगे दैट फिजिकल एड्सॉर्प्शन जो होता है, टेम्परेचर कम होगा तब फिजिकल एड्सॉर्प्शन ज्यादा होता है. टेम्परेचर इंक्रीज करने से फिजिकल एड्सॉर्प्शन डिक्रीजेस. और जब हम केमिकल एड्सॉर्प्शन देखते हैं वहां पे टेम्परेचर इंक्रीज करने से एड्सॉर्प्शन, केमिकल एड्सॉर्प्शन इंक्रीजेस, क्योंकि वहां पे केमिकल बॉन्ड बनता है. तो वहां पे हम देखेंगे क्या होता है. पर यूजुअली आप याद रखेंगे दैट एड्सॉर्प्शन इज एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस, देयर इज डिक्रीज इन द एंट्रोपी,
and there is a release of energy, or and that amount of energy released, that is called the enthalpy of adsorption. जब भी एक मोल एड्सॉर्बेट एड्सॉर्ब हो जाता है and the amount of energy released, that is called the enthalpy of adsorption. So what is enthalpy of adsorption? It is the amount of energy released. It is the amount of energy released when one mole of adsorbate gets adsorbed. When one mole of adsorbate gets adsorbed, that's called the enthalpy of adsorption. ये टर्म हम यहाँ पे याद रखेंगे, enthalpy of adsorption. So this was the effect of temperature. Next is the effect of pressure. तो इसमें हम याद रखेंगे, देखो इस वक्त गैस, इस वक्त जो हम फैक्टर्स इफेक्ट स्टडी कर रहे हैं, दैट इज द फैक्टर्स अफेक्टिंग द एड्सॉर्प्शन ऑफ गैस ऑन द सॉलिड. तो नेक्स्ट दैट इज द प्रेशर. तो अगर गैस का प्रेशर इंक्रीज करेंगे, डेफिनेटली एड्सॉर्प्शन भी इंक्रीज होगा. सो प्रेशर इंक्रीज करने से एड्सॉर्प्शन ऑफ गैस ऑल्सो इंक्रीजेस. व्हाई? बिकॉज गैस इंटर्स इनटू द पोर्स ऑफ द एड्सॉर्बेंट, इट गेट्स कंडेंसड देयर, कैपिलरी कंडेंसेशन टेक्स प्लेस. तो ये ज्यादा से ज्यादा एड्सॉर्ब हो जाएगा. जैसे हम देखते हैं फॉर नाइट्रोजन गैस ग्राफिकली एक्सपेरिमेंटली ये ग्राफ मिला. फॉर नाइट्रोजन गैस कितना ये एड्सॉर्ब होता है प्रेशर के साथ. प्रेशर अगर इंक्रीज करेंगे तो एड्सॉर्प्शन भी इंक्रीज होता है. जस्ट लाइक दिस ये ग्राफ हमें मिलता है अनटिल इक्विलिब्रियम इज रीच्ड. है ना, एक्चुअली ऐसा होता है एड्सॉर्प्शन whenever it occurs, तो पहले absorption जो है fast होती है, फिर धीरे धीरे ये slow हो जाता है until equilibrium is reached. That's why here we are having straight parallel to the x-axis, pressure axis. So ये effect of pressure है. Last जो हम देखेंगे, that is the activation of adsorbent. Activation of adsorbent. Activation of adsorbent. Activation of adsorbent का क्या मतलब होता है? That means to increase the adsorbing power. अगर हम adsorbing power को increase कर रहे हैं, that means we are activating the adsorbent. अब ये adsorbing power adsorbent का कैसे increase किया जा सकता है? By increasing the surface area. By increasing the surface area कैसे increase किया जा सकता है? By various ways, by mechanical rubbing, है ना? By यहाँ पे हम लिख सकते हैं by making surface rough, अगर हम surface को rough बनाएंगे, that means इससे surface area increase होगा, adsorption ज़्यादा होगा. Simple सी बात है, अगर ये आपके पास दो adsorbents हैं, ये smooth plain surface वाला है और यहाँ पे अगर लेट्स से इसमें रफ सरफेस है, तो डेफिनेटली ज्यादा गैस उसी पे एड्सॉर्ब होगा जो रफ होगा. तो ये कैसे हम बना सकते हैं सरफेस रफ? बाय मैकेनिकल रबिंग और बाय एनी केमिकल एक्शन, बाय यूजिंग एनी केमिकल. सिमिलरली बाय कन्वर्टिंग एड्सॉर्बेंट इनटू स्मॉल पीसेस और ग्रैंड्स. एड्सॉर्बेंट को स्मॉल पीसेस या ग्रैंड्स में कन्वर्ट करेंगे. अनदर इज वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज बाय रिमूविंग ऑलरेडी एड्सॉर्ब्ड गैसेस. बाय रिमूविंग ऑलरेडी एड्सॉर्ब्ड गैसेस फ्रॉम एड्सॉर्बेंट. एड्सॉर्बेंट के ऊपर ऑलरेडी कुछ गैसेस एड्सॉर्ब होते हैं, अगर उनको पहले रिमूव करेंगे दैट मींस वी आर एक्टिवेटिंग द एड्सॉर्बेंट. तो सिंपल सी बात है, कहीं पे आपने कोई चारकोल का पीस रखा है या सिलिका जल रखा है, तो डेफिनेटली एयर से बहुत सारे गैसेस वो एड्सॉर्ब कर लेता है खुद ही, ऑटोमेटिकली एड्सॉर्प्शन ऑकर्स ऑन इट्स ओन. ये एक स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है जो अभी हमने देखा डेल्टा जी
नेगेटिव होता है। तो अब अगर कोई और गैस आपको उस पर एड्सॉर्ब करवाना है, पहले जो गैसेस ऑलरेडी एड्सॉर्ब हुए हैं उनको पहले रिमूव करना पड़ेगा। तो कैसे वो रिमूव कर सकते हैं हम, यहाँ पे आप याद रखेंगे, ये हम रिमूव कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हमारे पास चारकोल है, उसको एक्टिवेट करना है, उससे ऑलरेडी एड्सॉर्ब्ड गैसेस को रिमूव करना है, तो क्या हम करते हैं, ये चारकोल जो है इट इज हीटेड इन प्रेजेंस ऑफ सुपर हीटेड स्टीम, सुपर हीटेड स्टीम के प्रेजेंस में इसको हीट किया जाता है इन वैक्यूम। तो आपको एक्टिवेटेड चारकोल मिलता है, एक्टिवेटेड चारकोल। सो वी कैन गेट एन एक्टिवेटेड चारकोल, कैसे, अगर इसको हम हीट करेंगे इन प्रेजेंस ऑफ सुपर हीटेड स्टीम वैक्यूम के अंदर, तो तब आपको एक्टिवेटेड चारकोल मिलता है। किस टेम्परेचर पे आप ये हीट करते हो, 623 केल्विन टू 1273 केल्विन। सो एट दिस वेरी हाई टेम्परेचर एंड इन प्रेजेंस ऑफ सुपर हीटेड स्टीम योर चारकोल इट गेट्स एक्टिवेटेड। इस पे जो ऑलरेडी एड्सॉर्ब्ड गैसेस होते हैं जैसे मीथेन, प्रोपेन, हाइड्रोकार्बन, वो रिमूव हो जाता है, तो ये एक्टिवेटेड हो जाता है। So these are the various factors which affect the adsorption of gas on the surface of solid. So I hope that you have understood. If there is any query question, you can comment in the comment section box below. Thank you. Have a nice day.